हेलो स्टूडेंट्स अपनी लास्ट वीडियो में बेटा हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने तब बनाई जब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस था जब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस था उसके बाद जब दोनों का ही कैश बुक का भी अनफेवरेबल बैलेंस था और पासबुक का भी अनफेवरेबल बैलेंस था आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस की यानी कि किस तरह से हम अमेंडेड कैश बुक बैलेंस बनाते हैं कि रियल में उसका बैलेंस क्या होना चाहिए था किसका कैश बुक का जब हम बात करते हैं अमेंडेड कैश बुक बैलेंस की तो इट मीन्स कि हम उसमें वो एंट्रीज लिखते हैं जो ओमिट हो गए ओमिट मतलब जो हम एंट्री करना भूल गए हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट में जैसे हम करते थे कि कुछ एंट्री गलत हो गया तो हम उसको एंट्री करते हैं नहीं इसमें हम सिर्फ वो एंट्रीज ऐड करते हैं जो ऑमिट हो गए हैं जिसे हम लिखना जो है कैश बुक में भूल गए हैं पासबुक में उसकी एंट्री हो रखी है बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है तो यानी ऑमिट होगी एंट्री या अभी तक हमें उसकी एंट्री के बारे में पता नहीं था हम उसको एड ऑन करते हैं बट

तो मैं नाइनटीन क्वेश्चन करने जा रही हूँ मेरे पास जो बुक है वो उषा पब्लिकेशन की है, है जानने की किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और किस -किस तरह से आती है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड से बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मनदीप कौर शोज डेबिट बैलेंस ओके डेबिट बैलेंस शो करा यानी पॉजिटिव हो गया हमारा कितना है

ठीक है और उसके बाद हमें क्या बनाना है बैंक रिकनसलेशन स्टेटमेंट बनानी है जो 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 शो शो करे क्या शो करे क्या द करेक्टेड कैश कैश बुक बुक जिसमें आपका जो है उसका बैलेंस आप एड ऑन करेंगे और जो आपका बैलेंस है किसमें बैंक स्टेटमेंट में उससे आपको मैच करना है तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी अमेंडेड कैश बुक बनानी पड़ेगी ठीक है ताकि हम बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट बना सके तो अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंट्रीज कौन-कौन सी है उन एंट्रीज को समझते हैं तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो क्या है फर्स्ट एंट्री है हमारी चेक अमाउंटिंग टू ₹12600 इशूड बिफोर thirty 31st एंड एंटर्ड इन कैश बुक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल आफ्टर दैट डे अब देखिए हमने क्या किया है चेक इशू कर दिया है बट प्रेजेंट नहीं हुआ है तो इसकी जो एंट्री होगी वो अमेंडेड कैश बुक में नहीं होगी किस में होगी बेटा इसकी एंट्री हमारी बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट में होगी क्यों क्योंकि देखो चेक हमने इशू कर दिया तो यानी कि हमने कैश बुक में तो एंट्री डाल दी पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये हमारी क्या हो जाएगा बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट का एक पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने कुछ ऑबमिट नहीं किया है बल्कि प्रेजेंट नहीं हुआ है तो हम बैंक रिकन्शन स्टेटमेंट में इसको सही करेंगे नेक्स्ट चेक अमाउंटिंग एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट आफ्टर दैट डेट अब देखिये क्या हुआ पांच हजार का चेक था ठीक है अब उसमें क्या उसने कहा क्या है कहा है कि एंटर इन द कैश बुक कैश बुक में एंटर हो गया सेंड कर दिया बैंक को पर बैंक ने जो है इसको बाद में किया तो ये भी हमारा बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट का एक पार्ट हो जाएगा कि हमारा जो पाँच हजार है वो हमारे जमा जो है वो हुए नहीं है ठीक है बैंक में जमा नहीं हुए यानी कि पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई तो ये भी हमारा क्या हो गया एक बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट का पार्ट हो गया थर्ड देखिए अ चेक फ्रॉम अ डाटर फॉर रुपीज वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी प्लै टू दिसंबर थर्टी फर्स्ट बट नो रिकॉर्ड अपियर इन कैश बुक आप देखिए इसकी एंट्री समझिए चेक डिज ऑनर हो गया ठीक है डाटर से एक चेक मिला और वो क्या हो गया डिज ऑनर हो गया जब डिज ऑनर हो गया थर्टी फर्स्टर से पहले तो पासबुक में इसकी एंट्री हो रखी है राइट बट लेकिन जो चेक हमारा जो कैश बुक में उसमें हमने इसकी एंट्री की ही नहीं तो और बट नो अपियर है ना तो यानी कि हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी ठीक है जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे चेक डिज ऑनर ओके क्रेडिट साइड जाएगी तो सबसे पहले हम एंट्रीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी अमेंडेड कैश बुक में जाएगी फिर ही हम एंट्री करेंगे ओके okay, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम सारी एंट्रीज को पढ़ें ताकि हमें पता चले कि कौन किसका पार्ट है फोर्थ देखिए अ डिविडेंड वारंट फॉर रुपीज सेवन हंड्रेड सिक्सटी वॉज पेड डायरेक्ट टू द बैंक एंड नथिंग अपेयर इन कैश बुक एक डिविडेंट मिला है हमें कितने का मिला है सेवन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज का ओके पासबुक में इसकी एंट्री है पर कैश बुक में नहीं है कैश बुक में नहीं है तो ये नहीं हमारी क्या ऑमिट हुई है तो ये भी हमारा किसका पार्ट हो गया कैश बुक का नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेज अमाउंटिंग रुपीज एटी फोर वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक अब फिर से इसकी एंट्री नहीं हुई है बट लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो हुई है तो हमें इस 84 को भी बैंक चार्जेस के नाम से दिखाना पड़ेगा किस में आ जाएगी फिर से अमेंडेड में क्योंकि इसकी भी एंट्री कहीं नहीं हुई है कैश बुक में सिक्स स्टेटमेंट देखिए देर वॉज नो एंट्री इन कैश बुक फॉर अ क्लब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रुपीज ट्वेंटी पेड बाई बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2017 अब देखिए आपने क्या किया मेंबरशिप ले रखी है उसकी डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने कर दी बीस रुपए की और आपने क्या किया एंट्री की ही नहीं है कैश बुक में जब एंट्री नहीं करेंगे तो अब इस एंट्री को करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी हमारी किस में जाएगी अमेंडेड कैश बुक में तो अब देखिए हमारी कितनी एंट्रीज आ रही है ये वाली गई है ठीक है ये वाली गई है हमारी ये वाली गई है ये वाली भी हमारी एंट्री किस में गई है अमेंडेड कैश बुक में अभी इस एंट्रीज को हम करेंगे और अभी और एंट्रीज पढ़ लेते हैं जो हमारी स्टेटमेंट है वो है बैंक फॉर अ चेक बुक एंट्री हो चुकी है तो इसका मतलब एंट्री तो हुई है राइट अब जब एंट्री हुई है तो अब क्या हुआ फिर से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए बैंक चार्जेस फॉर अ चेक बुक रिसीव्ड बाय बाशिर मिर्जाज वाज एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस शिफ मिर्जा ने जो आपने ली है उसकी एंट्री दो बार हो गई है अब देखिए हमारे तो वो नाम की एंट्री थी नहीं ठीक है अब जब ट्वाइस एंट्री हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा जो ट्वाइस बैंक चार्जेस है वो एक बार हमें अपनी अमेंडेड कैश बुक में से डिडक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि दो बार एंट्री हो चुकी है जब दो बार एंट्री हो चुकी है तो एक बार तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा क्योंकि पोस्टल की है हमने बाशिर मिर्जा को कोई वो मिली है पासबुक वो चेकबुक मिली है तो उसकी एंट्री दो बार कर दी है, तो द, दो बार हो जाएगी तो हमें एक बार देखिए अ चेक फॉर रुपीज फाइव फोर्टी ड्रॉन बाय बाशिर अहमदिनशिर अहमद के नाम से चेक था ठीक है पर लेकिन चार्ज किसको कर दिया बाशिर मिर्जा को चार्ज कर दिया अकाउंट बाय एरर इन 2017 तो गलती से गलत एंट्री कर दिया जब गलत एंट्री कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा बाशिर मिर्जा के अकाउंट को हमने चार्ज कर दिया बाशिर मिर्जा अब ये वाली जो है मंडेड कैश बुक में नहीं जा सकती है एंट्री क्यों क्योंकि इसकी एंट्री हुई है ऐसा तो नहीं ऑमिट हो है तो जाहिर सी बात है बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट जाएगी एंट्री फिर से पढ़ते हैं एक चेक था रुपीज़ ड्रॉन बाय बाशिर अहमद एंड हैड विन चार्ज टू किसको चार्ज कर दिया हमने बाशिर मिर्जा अकाउंट को चार्ज कर दिया तो बाशिर मिर्जा अकाउंट को चार्ज कर दिया तो हमें वापस इसको करना पड़ेगा तो ये नेगेटिव साइड एंट्री जाएगी ठीक है अब हम इसको जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे पहले और जब अमेंडेड कैश बुक की जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हम क्या करते हैं एक बार फिर से रीड आउट करते हैं और उनकी एंट्रीज करते हैं तो देखिए हमारी कौन सी एंट्री थी फर्स्ट एंट्री थी हमारी थर्ड जिसमें क्या लिखा था क्या हो गया, हो गया। अब डिज हो गया चेक तो हमें हम इसकी एंट्री करनी पड़ेगी तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो हमारा बैलेंस डाउन है हमारा बैलेंस डाउन कितना है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी तो सबसे पहले जब भी हम कैश बुक बनाएंगे तो देखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है ठीक है स्टार्टिंग हमारी हमेशा यहीं से होगी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी अब ये पॉजिटिव है तो इसलिए हम डेबिट साइड शो कर रहे हैं अदरवाइज नेगेटिव होता तो अगर ओवरड्राफ्ट होता तो नेगेटिव साइड शो करते तो मैंने कहा आपको थर्ड एंट्री हमारी में हुई है वो हमारी अमेंडेड कैश बुक में होगी फिर से एंट्री पड़ते हैं चेक फॉर डेटर फॉर रुपीजन वन थाउजेंड फोर सिक्सटी तो ये जो क्या हो गया डिज हो गया तो हम क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे चेक डिजॉन ठीक है चेक डिज हो गया तो हमें इसकी एंट्री अब करनी पड़ेगी वो नेगेटिव साइड जाएगा क्योंकि पैसा हमारा आया ही नहीं नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री देखिए डिविडेंड वारंट सेवन सिक्सटी वॉज पेड डायरेक्ट टू द बैंक डिविडेंड मिला है आपको है ना तो डिविडेंड मिला है तो जो डिविडेंड वारंट है वो डायरेक्ट आपको मिल चुका है अब इसकी एंट्री आप करेंगे क्योंकि अभी तक आपने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं करी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिविडेंड वारंट कितने का था वो सेवन राइट right? अब देखिए फिफ्थ एंट्री देखिए बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस है एपीज के जो कि हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की है तो हम क्या लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस तो यहाँ एंट्री आएगी इसकी बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस कितने के थे हमारे एटी फोर रुपीज के फाइन नेक्स्ट एंट्री देखिए हमारी देर वॉज नो एंट्री इन कैश बुक फॉर अ क्लब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो कि पे किसने कर दिया हमारे बैंकर्स ऑर्डर ने तो क्या लिखेंगे हम इसमें जो हमारी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है ओके okay? तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हम पे करेंगे तो फिर से हमारा क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि पेमेंट हमें करनी पड़ेगी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन ऑल राइट कितनी है वो हमारी ट्वेंटी रुपीज फाइन इतना आपको समझ में आ गया है तो हमें सिर्फ इसमें कौन सी एंट्री करनी है वो एंट्रीज जो हम ओमिट कर चुके हैं किसमें कैश बुक में नेक्स्ट थी हमारी एंट्री बैंक चार्जेस जो थे हमारे फॉर अ चेक बुक जो रिसीव हुआ था किसने मिर्जा ने रिसीव किया था वाज एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस दो बार हो चुके हैं चार्जेस हमारे ठीक है तो हमें एक बार तो उसको क्या करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा एक बार दोबारा वापस से तो ट्वाइस बैंक चार्जेस हो गए थे हमारे तो एक बार उसको वापस लिखना पड़ेगा कितने के थे वो हमारे चार्जेस ट्वेंटी रुपीज़ के फाइन अभी हमारी सारी एंट्रीज हो गई इसके बाद जो भी हमारी एंट्रीज थी वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की थी तो जो बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट की एंट्रीज है वो तो हम इसमें लिख नहीं सकते इसलिए अब हम क्या करेंगे अब इस कैश बुक का हम क्लोज करते हैं तो अगर हम इसका अमाउंट निकालेंगे तो इधर निकलेगा टेन थाउजेंड ओके okay? और अब इधर करेंगे तो इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ पे भी, भी कितना निकलेगा टेन थाउजेंड जो बैलेंस रह जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन जो कि किस में शो करेंगे हम उस बैलेंस कैरी डाउन को हम शो करेंगे बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट में ओके एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स तो ये मेरी अभी क्या आई है अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बनाई है अमेंडेड कैश बुक बनाई है ओके देख लीजिए एक बार ये हमारी ये क्या है हमारी amended cash book है अब हम इसके अलावा क्या बनाएंगे अब हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्योंकि हमें दोनों चीज बनानी है अब फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है क्वेश्चंस में जो एंट्री थी उसको देखते हैं कि कौन-कौन सी एंट्री थी जो हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से जुड़ी हुई थी तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कैश बैलेंस एज पर कैश बुक जो हम हमेशा से लिखते आए हैं कैश बैलेंस एज पर क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है कितना है हमारा एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स कि हमें निकाला है ना हमने ये वाला बैलेंस ठीक है अब इसकी जो फर्स्ट एंट्री थी वो क्या थी हमारी फर्स्ट एंट्री में हमारा था कि हमने ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का क्या किया था चेक के बारे में बात हुई थी राइट तो देखिए चेक अमाउंटिंग बिफोर तो किया था एंटर भी हो गया था पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है हमने कैश बुक में से डिडक्ट कर दिया था बट पासबुक में से वो डिडक्ट नहीं हुआ है तो हमें फिर से इसको एड ऑन करना पड़ेगा तो किस साइड आएगा पॉजिटिव साइड क्या एंट्री होगी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड नॉट एट प्रेजेंटेड अभी तक उसको शो ही नहीं किया तो अभी तक वापस उसको हमें एंट्रीज करनी पड़ेगी कितने का था 12,600 राइट right? नेक्स्ट देखिए हमारी जो नेक्स्ट एंट्री थी सेकंड एंट्री वो थी चेक अमाउंटिंग तू रुपीस 5,000 एंटर इन द कैश बुक असेंड तू द बैंक बैंक में सेंड कर दिया था बैंक स्टेटमेंट आफ्टर दैट डेट थर्टी फर्स्ट दिसंबर के बाद एंट्री हुई है तो इसका मतलब इसकी भी एंट्री जो है हमने जमा करवाया पर वो जमा हुए ही नहीं ठीक है तो चेक सेंड टू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड जब क्रेडिटेड नहीं होता हमें कहाँ शो करना पड़ेगा नेगेटिव साइड क्या लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक तो हमने तो ऐड कर दिए थे कैश बुक में हमने उसको प्लस साइड शो कर दिया था अब हमें इसे नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है कितने का था वो चेक 5000 का फाइन अब जो बाकी की एंट्रीज थी फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये तो हमारी किसकी थी सेवन तक ये हमारी एंट्री थी अमेंडेड कैश बुक की दोबारा इनको एंट्रीज को नहीं करेंगे ओके okay? फिर लास्ट हमारी एंट्री हो गई चेक फॉर रुपीज फाइव फोर्टी ड्रॉन बाईर इन टू थाउजेंड से हमने रॉन्गली चार्ज कर दिया तो हमारे पास तो पासबुक है नहीं जो हम इसे करेक्ट कर सकें तो हम क्या करेंगे कैश बुक में ही उसको नेगेटिव साइड शो कर देंगे ताकि हमारी पासबुक का बैलेंस कैश बुक से मैच कर सके ठीक है तो क्या लिखेंगे इसमें रोंगली चार्ज बासिर मिर्जा अकाउंट गलत चार्ज हो गया था ठीक है तो रॉन्गली चार्ज हो गया कितने रुपीस का आ गया फाइव हंड्रेड फोर्टी ओके तो यह इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज होगी अब हम इन्हें क्या करेंगे अब हम इन्हें क्लोज करेंगे तो अगर बैलेंस देखें तो इसका बैलेंस आएगा हमारा ट्वेंटी वन थाउजेंड थर्टी सिक्स और जो इसका बैलेंस आएगा वो आएगा फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी राइट अब हमें क्या करना है जो हमारा जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक तो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक कितना हुआ वो हमारा बैलेंस वो हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे इन दोनों का डिफरेंस आता है हमारा फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड 96 ओके okay. यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया तो ये हमारी क्या बन गई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो इस तरह से जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हमें वही आंसर करना होता है उसने हमें बोला कि अमेंडेड कैश बुक बनाइए तो हमने अमेंडेड कैश बुक बनाई और उसके बाद क्या कर दिया उसने बोला कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई है फिर वो बनाई तो पहले हमने अमेंडेड कैश बुक बनाई राइट फिर हमने क्या बनाया उसी अमेंडेड कैश बुक के थ्रू हमने क्या बनाई अपनी बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

फेवर में है तो यानी टू हर बैंक है कि जब हम देखते हैं, तो ओवर ड्राफ्ट शो कर रहा है तो देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है उसकी स्टेटमेंट से लास्ट लास्ट में हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या बनाना है उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फर्स्ट यू आर आज टू मेक अप्रोप्रियट एडजस्टमेंट इन कैश बुक एज ए

ओके okay. चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या एंट्रीज है हमारी फर्स्ट द कॉलम ऑफ कैश बुक हैड ओवर ओवर एडेड एडेड बाय का मतलब हो गया ओवर कास्ट हो गया जब कोई चीज ओवर कास्ट होगी तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा तो ठीक है ओवरकास्ट मतलब ज्यादा से शो कर दिया तो उसे कम करना पड़ेगा तो हमें नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा अब देखिए ओवरकास्ट हो गया अब आप ये बताइए इसकी स्टेटमेंट बैंक में जाएगी या अमेंडेड कैश बुक में बेटा अमेंडेड में जाएगी क्योंकि हमने ऑमिट किया है एंट्री अब आप कहेंगे मैम ऑमिट कैसे किया है क्योंकि वन थाउजेंड वन हंड्रेड से आपने किसी चीज को ज्यादा शो कर दिया है राइट अब ज्यादा शो कर दिया तो अब उसे स्टेटमेंट को करेक्ट करना पड़ेगा तो करेक्ट करने के लिए हमें कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी नेक्स्ट चेक ड्रॉन एंड एंटर इन कैश बुक इन जून टू थाउजेंड फिफ्टीन अमाउंटिंग रुपीज वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वर नॉट प्रेजेंटेड ये तो वही बैंकिंग कंसलेशन स्टेटमेंट की होगी कि चेक इशू हुआ है बट प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये हमारे डेबिट साइड शो करेगा क्योंकि कैश बुक से हमने बैलेंस डिडक्ट कर, कर दिया था पासबुक से नहीं गया है तो आप कैश बुक में दोबारा एड ऑन करेंगे ओके okay, ये तो फिर हमारी किसकी होगी बैंक की होगी एंट्री देन

फिर है एन अमाउंट ऑफ रुपीज इन इंटू आशा मित्तल्स अकाउंट डायरेक्टली किसी ने पे कर दिया कस्टमर ने कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है तो इसकी भी एंट्री होगी ठीक है डेबिट साइड जाएगा क्योंकि हमारा एक तरह से फायदा है उजेंड टू हंड्रेड थर्टी इन अप्रिल टू थाउजेंड फिफ्टीन बीन एंटर्ड इन कैश बुक एज रुपीज वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी तो देखिये चेक की पेमेंट तो हमने कम करनी थी कर कितनी दी है ज्यादा पेमेंट कर दिया राइट right? तो अब क्या होगा अब जब ज्यादा पेमेंट कर दिया तो हमें जो है पेमेंट साइड हमने रॉन्गली ज्यादा पे कर दिया तो हम इसको क्या लिखेंगे द पेमेंट ओवरकास्ट ओवरकास्ट हो गया ना हमारी पेमेंट कितने से हो गए नाइन्टी रुपीज से तो वो हमारा फायदा हो जाएगा क्योंकि हमने तो पेमेंट कितने की करनी थी वन थाउजेंड ट्रेड वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी पर कितने की कर दी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी की एंट्री कर दी तो नाइनटी रुपीज को हम अमेंडेड कैश बुक में डेबिट साइड शो करेंगे अभी अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हम इसको आ, आ, करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी सिर्फ आपको एंट्री समझा रही हूँ चेक ऑफ रूपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड इन फैव टू था पास थ्रू द आशा मित्र प्राइवेट अकाउंट प्राइवेट अकाउंट से एंट्री होनी थी पर करंट अकाउंट से कर दिया है तो जाहिर सी बात है गलत एंट्री हो गई है तो हम इसको क्या लिखेंगे रॉन्गली रॉन्गली डेबिट डेबिट ठीक है हो गई हमारी तो रॉन्गली डेबिट कितने की हुई है टू थाउजेंड टू हंड्रेड की इसलिए जब देखिए अब कैश बुक में तो इसकी एंट्री होगी ही नहीं क्यों क्योंकि रॉन्गली एंटर हुआ है दोनों जो आपस में अकाउंट है उसकी वजह से तो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में इसकी एंट्री जाएगी देन बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज़ एट्टी जो हमें दिसंबर में पे करने थे थे और जो हंड्रेड रुपीज़ थे जो हमें जून में करने थे वो अभी तक हमने कैशबुक में एंट्री नहीं किया तो इन दोनों की एक साथ एंट्री कर देंगे बैंक चार्जेस के नाम से नेगेटिव साइड शो होगी क्रेडिट साइड शो होगी जिसे हम क्या कहेंगे वन uh, एट्टी के बैंक चार्जेस पे किए ठीक है ये हमारी अमेंडेड में होगी क्योंकि ओमिट हो रखी है एंट्री अभी तक एंट्री हुई नहीं है फिर चेक टू द वैल्यू ऑफ रुपीस थ्री थाउजेंड सेवन एटी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैश बुक में एंट्री है उसकी ऑन जून टूथाउजेंड फिफ्टीन बट नॉट एंटर इन द बैंक अंटिल ट

चाहे तो हम दोनों क्वेश्चन साथ साथ भी कर सकते हैं बट लेकिन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे सबसे पहले वो देखेंगे जो किस में आनी है हमारी अमेंडेड कैश बुक में ओके तो सबसे पहले उसने बताया था बैलेंस हमारा फेवरेबल बैलेंस था वन थाउजेंड फिफ्टी तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था रुपीज़ वन थाउजेंड फिफ्टी फाइन फिर उसके बाद ये वाली एंट्री जो थी द रिसिप्ट कॉलम ऑफ का हैज कैश बिन ओवर एडेड ओवर एडेड हो गया था ठीक है रिसिप्ट कॉलम कितना एलेवन हंड्रेड से तो हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा ओवर कास्ट जो है उसको हटाना पड़ेगा तो जो हम यहाँ पे लिख देंगे रिसिप्ट साइड ओवर कास्ट ओवर को कम तो करना पड़ेगा ठीक है कितने से हुई है हमारी 1100. Fine, ये समझ में आ गई है फिर नेक्स्ट देखिए अगर आपके पास बुक होगी तो और अच्छे से समझ में आएगी चेक एंड एंटर्ड इन कैश बुक अब एंट्री है डिस्काउंट ये ये तो रिसीव हुआ है सप्लायर से पर हमने इसको गलती से किस में डाल दिया बैंक कॉलम में तो हमें इसका करेक्शन करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे करेक्शन ऑफ एरर ठीक है जो हमने गलत एंट्री कर दिया तो क्या लिखेंगे करेक्शन ऑफ एरर कौन सा एरर था इन डिस्काउंट अकाउंट कितने का दिया था हमें मिला था वन हंड्रेड का ठीक है नेक्स्ट हमारी एंट्री देखिए थर्ड एंड अमाउंट रूपे सेवन फिफ्टी पे डायरेक्टली डायरेक्टली पे हुआ है तो हमारा कैश बुक में एंट्री नहीं है तो ये भी हमारा क्या है इतना का प्रॉफिट और फायदा है हमें तो हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे डेबिट साइड करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे डिपॉजिटेड या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं डिपोजिटेड बाय कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैसे मर्जी आप इस एंट्री को बढ़ा सकते हैं कितने का है वो हमारा सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब और चेक पेमेंट रुपीज ट्वेल्थ हंड्रेड थर्टी इन अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन हेड बीन एंटर्ड इन कैश बुक एज रुपीज वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी तो हमने क्या कर दिया ओवरकास्ट कर दिए ना पेमेंट साइड तो अब इसको हम क्या करेंगे डेबिट साइड कर देंगे क्योंकि पेमेंट हमारी ओवरकास्ट होगी है सो so, लिख देंगे पेमेंट साइड ओवरकास्ट तो ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा ठीक है कितने रुपीज का नाइनटी रूपीज का क्योंकि ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी का पे करना था हमने वन थ्री टू जीरो लिख दिया नेक्स्ट है हमारा द बैंक हैज चार्ज अब देखिए चार्जिंग की जो एंट्री है एक मिनट पहले ये वाली पूरी पढ़ते हैं सॉरी द बैंक हैड चार्ज द बिजनेस अकाउंट विद चेक फॉर रुपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड इन फैब हमारे वन हंड्रेड एट्टी फाइन वन हंड्रेड एट्टी का हो गया हमारा अब इसके बाद तो लास्ट एंट्री है चेक टू द वैल्यू ऑफ रिसीव फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्डेड इन द कैश कैश बुक कैश बुक में एंट्री हो चुकी है पर पासबुक में नहीं तो ये भी हमारी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री है यानी कि हमारी अब खत्म हो गई है किसकी एंट्रीज अमेंडेड कैश बुक की एंट्रीज हमारी खत्म हो चुकी है तो हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा मेरा वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी जो बचेगा बैलेंस वो शो होगा वो बैंक रिकंसले स्टेटमेंट में शो होगा ठीक है बैलेंस जो हमारा कैरी डाउन आएगा वो आया है हमारा सेवन हंड्रेड टेन फाइन अब हम क्या बनाएंगे हम बनाएंगे बैंक स्टेटमेंट तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना हुआ है हमारा कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस पॉजिटिव साइड है अब बाकी एंट्रीज देखते हैं जो जो नहीं हुई है एंट्रीज वो इसमें होगी सारी जैसे ये वाली हो चुकी है हमारी ये वाली देखिए चेक ड्रॉन एंड इन कैश बुक इशू कर दिया है, उसमें एंट्री कर दी है कैश बुक में बट लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड तो फायदा हो जाएगा एक तरह से मतलब पॉजिटिव साइड चला जाएगा क्योंकि पासबुक में अभी तक उसमें से अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड ओके okay, तो कितने की एंट्री हो जाएगी हमारी कितने का चेक था वन सिक्स सेवन जीरो का चेक है हमारा वन सिक्स सेवन जीरो तो इसकी एंट्री हम यहाँ कर देंगे आप बुक से करजिएगा क्वेश्चन बच्चा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट रिसीव वाली एंट्री हम कर चुके हैं ये वाली भी एंट्री हमारी हो चुकी है ये देखिए चेक पेमेंट ऑफ रुपीज ये वाली एंट्री भी हमारे अमेंडेड में कर ली नेक्स्ट The 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 bank bank had charged account account. with the check of rupees 2200 and fab, 2015, which should have been passed through Mittal's private, company account. private account से होना चाहिए था कर किसी और में दिया है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे आ, ठीक है देखिए हमने उसको गलतली एंट्री कर लिया तो wrongly डेबिटेड तो गलत अकाउंट में डेबिट हो गया तो हम क्या लिखेंगे रॉन्गली डेबिटेड गलती से डेबिट हो गया है कितने का चेक था वो हमारा 2200 थाउजेंड टू हंड्रेड का देखिए फिर से एंट्री देख लिए ऐसा था क्वेश्चन हमारा ये है सिक्स जो स्टेटमेंट है द बैंक हैड चार्ज द बिजनेस अकाउंट विद अ चेक ऑफ रुपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड फैब टू थाउजेंड शुड हैव बीन पास थ्रू द आशा मित्तल्स प्राइवेट अकाउंट प्राइवेट अकाउंट में जाना था हमने किस में कर दिया उसको हमने उसके नॉर्मल बिजनेस अकाउंट में कर दिया है ना तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कैश बुक में हमने आ, में हमने पासबुक में गड़बड़ कर चुके हैं अब क्या करेंगे कैश बुक में तो हम उसको सही कर नहीं सकते तो तो हम क्या करेंगे अगर उसने माइनस में शो कर दिया तो हमें भी इसको डिडक्टिव शो करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक हमारे पास नहीं है हमारे पास कैश बुक है तो बैलेंस मैच करना है ना पासबुक और कैश बुक का इसलिए हम क्या करेंगे उसने रॉन्गली डेबिटेड किया है तो हमें भी शो करना पड़ेगा कि भाई चार्जेस लग गए हैं कितने के 2200 के बेशक से वो रॉन्गली डेबिट हुआ है बट लेकिन एक बार पासबुक से एंट्री हो चुकी है तो पासबुक की एंट्री मैच करने के लिए हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी बैंक चार्जेस की एंट्री हम कर चुके हैं लास्ट लास्ट एंट्री देखिए चेक टू द वैल्यू ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड सेवन एटी रिसीव फ्रॉम कस्टमर वो रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैश बुक में आ गया ट्वेंटी एट जून को बट लेकिन बैंक में नहीं आया तो बैंक में नहीं आया तो हमें फिर से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो एक बार कैशबुक में एड ऑन कर चुके होंगे ये बैलेंस ये पेमेंट पर लेकिन अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा डिडक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या लिखेंगे डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक क्रेडिट नहीं किया ना तो हमें क्या करना पड़ेगा एंट्री को वापस करना पड़ेगा तो पैसे जमा हो चुके थे पर लेकिन बैंक वालों ने इसको क्रेडिट नहीं किया है तो हमें इस, हम भी इसको क्रेडिट नहीं कर सकते हम भी इसको अब बैलेंस डेबिट बैलेंस में कैश बुक के अकॉर्डिंग नहीं शो कर पाएंगे क्योंकि पासबुक में अभी तक वो क्रेडिट साइड नहीं गया इट मीन्स कि पासबुक में अभी तक वो एड नहीं हुआ हमारे अकाउंट में तो हमें कैश बुक में से भी डिडक्ट करना पड़ेगा ताकि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच हो जाए ठीक है कि कितना बैलेंस का, कैश पासबुक में शो कर रहा है वो बैलेंस जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये हमारा आता है ज्यादा वाली ये वाली एंट्री तो इसका करते हैं इसका आएगा फाइव नाइन एट जीरो राइट फाइव नाइन एट जीरो गे? जब हम उन दोनों का करते हैं टोटल तो इसका हमारा टोटल आएगा टू थ्री एट जीरो और इसका हमारा कितना आएगा फाइव नाइन एट जीरो तो यानी कि अगर हम इनमें दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो वो आ रहा है हमारा थर्टी सिक्स हंड्रेड तो ये क्या हो जाएगा ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक तो पासबुक में इतने से हमारा क्या शो होगा ओवरड्राफ्ट शो होगा ठीक है अमेंडेड कैश बुक हम बना चुके हैं कि हाँ भाई कैश बुक जो हमारी अमेंडेड है यानी कि उसमें क्या क्या चेंजेस होने थे वो ये रहे हमारे और जो हम पासबुक से मैच करना चाहेंगे तो फिर हम इससे मैच करेंगे कि हाँ इतना बैलेंस जो है वो पासबुक में होगा एज पर बैंक स्टेटमेंट वो बात अलग है अभी कुछ एंट्रीज नहीं हुई है क्योंकि वो क्रेडिटेड तो हुआ ही नहीं है तो जो ओवरड्राफ्ट शो करेगा पासबुक में कितना थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और जो हमारे अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा सेवन हंड्रेड टेन तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो किस तरह से अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं और किस तरह से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं किसके बाद अमेंडेड कैश बुक के बाद